यू बाय इन्फिनिक्स। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दिलल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत कनाडा के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आने वाले वक्त में भी दोनों देशों के बीच रिश्ते नहीं सुधरते हैं तो इससे कनाडा की इकोनॉमी को दोहरा झटका लग सकता है। सबसे पहला बड़ा झटका ये लगेगा कि दोनों देशों के बीच व्यापार ठप पड़ने से उसको नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। इस बारे में हम आपको खर्चा पाने के कुछ पिछले एपिसोड्स में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन कनाडा को दूसरा झटका दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार से भी बड़ा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि दोनों देशों के बीच कमोबेश बराबर का ही कारोबार होता है। 2022 में दोनों देशों के बीच करीबन 66,000 करोड़ रुपए का व्यापार देखा गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने कनाडा को तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए का सामान बेचा, वहीं कनाडा ने भी इस दौरान भारत को करीब करीब इतनी ही कीमत का सामान बेचा था। लेकिन एक चीज और है जिसके जरिए कनाडा की सरकार को सबसे ज्यादा कमाई होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत से कनाडा पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों की। भारतीय छात्रों का कनाडा की इकोनॉमी में कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है, बल्कि अगर भारतीय स्टूडेंट्स वहां पढ़ने ना जाएं तो कनाडा की इकोनॉमी बर्बाद भी हो सकती है। आइए सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में दुनिया भर से 5.5 लाख छात्र कनाडा में पढ़ाई करने के लिए गए। इनमें से 2,26,000 मोटा मोटी करीबन 40% भारत के स्टूडेंट है। करीब 2.25 लाख भारतीय छात्रों में से 1,36,000 स्टूडेंट अकेले पंजाब से थे। इस तरह देखें तो पंजाब के छात्रों से ही कनाडा को 68,000 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। इस कमाई में एजुकेशन फीस और उनके रहने सहने का खर्चा भी शामिल है। लेकिन पूरे भारतीय छात्रों से कमाई को इसमें जोड़ दें तो यह रकम करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। जाहिर है कि यह पैसा कनाडा की इकोनॉमी के लिहाज से काफी ज्यादा है। इस भारी भरकम हिस्सेदारी के पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। दरअसल कनाडा के प्राइवेट कॉलेज विदेशी छात्रों से स्थानीय लोगों के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा फीस वसूलते हैं। कह सकते हैं कि कनाडा के प्राइवेट कॉलेजों की 76% कमाई विदेशी छात्रों से ही होती है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में सबसे ज्यादा छात्र भारत के हैं, इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वहां के प्राइवेट कॉलेज सेक्टर भारतीय छात्रों के भरोसे ही चल रहे हैं। इतना ही नहीं, कनाडा के कुछ राज्यों के कॉलेजों का हाल तो और खराब है। वहां के कुछ कॉलेजों को सरकार से जितना पैसा नहीं मिलता है उससे कहीं ज्यादा कमाई तो ये भारतीय स्टूडेंट से कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कनाडा का एक राज्य है जिसका नाम ओंटारियो है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में ओंटारियो के कॉलेजों को भारतीय छात्रों से 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। वहीं स्थानीय छात्रों से इन कॉलेजों ने करीबन 8,000 करोड़ रुपए की फीस ही निकाली है, जबकि ओंटारियो की सरकार ने इस दौरान इन कॉलेजों को इससे कम मदद की है। कनाडा के ऑडिटर जनरल बॉनी लिजिक चिंता जता चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कनाडा की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मार्च 2022 के समय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और कनाडा के GDP आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। कोविड की वजह से कनाडा में इंटरनेशनल छात्रों की संख्या घटी थी। उस समय सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लेकर एक स्टडी की। उसमें सामने निकल के आया कि विदेशी छात्र कनाडा की इकोनॉमी में करीबन 1,85,000 करोड़ रुपए का योगदान देते हैं। ये रकम कनाडा से होने वाले ऑटो पार्ट्स या फिर एयरक्राफ्ट के निर्यात से कहीं ज्यादा है। इससे साफ हो गया है कि कनाडा की इकोनॉमी के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितना मायने रखते हैं। कनाडा में पढ़ने वाले छात्र वहाँ के कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज़ और हाउसिंग मार्केट से लेकर जॉब मार्केट में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। कनाडा के बड़े शहरों जैसे कि ग्रेटर टोरंटो एरिया, ग्रेटर वैंकूवर एरिया, कैलगरी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। लिहाजा किरायेदारों में भी स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी अधिक है। ऐसे में स्टूडेंट्स से जो किराया मिलता है उसे कनाडा के लोग होम लोन का बोझ कुछ कम कर पाते हैं। अगर किसी भी कारण से कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या घटती है तो इसका वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ बैंकिंग और हाउसिंग मार्केट पर भी बुरा असर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय छात्रों को कनाडा इतना क्यों पसंद है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कनाडा में पढ़ाई की गुणवत्ता। कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ दुनिया के बेहतरीन और उम्दा रैंकिंग वाले शिक्षा संस्थानों में गिनी जाती हैं। पढ़ाई के अलावा वहाँ करियर से जुड़े अच्छे मौके हैं, स्किल्ड लेबर की डिमांड है। ये सभी चीज़ें कनाडा को भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनाती हैं। इसके अलावा परमानेंट वीज़ा के मुकाबले स्टूडेंट वीज़ा मिलना काफ़ी आसान होता है।
एक बार स्टूडेंट वीजा मिल जाए उसके बाद पीआर और फिर वहां की नागरिकता मिलने का रास्ता आसान हो जाता है। भारत ही नहीं अन्य देशों के छात्र भी कनाडा जाने के लिए स्टूडेंट वीजा का ही इस्तेमाल करते हैं। कनाडा में पढ़ाई करने वाले छात्र खर्चा निकालने के लिए खाली समय में नौकरी भी करते हैं। हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से लेकर के रिटेल और अन्य तमाम सेक्टर्स में भारतीय छात्र काम करते मिल जाएंगे। इंडो कैनेडियन पत्रकार दक्ष पवार ने इंडिया टुडे को बताया कि अगर भारतीय छात्र कनाडा नहीं आएंगे तो कनाडा को भारी झटका लगेगा। भारत ने भले ही कनाडा के लोगों के वीजा पर फिलहाल रोक लगा दी हो, लेकिन कनाडा की सरकार ने अब तक भारतीय स्टूडेंट्स के लिए वीजा सर्विस रोकने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। इसलिए रिश्तों में तल्खी का असल में कितना नुकसान या फायदा होगा ये आने वाले समय पर ही पता चलेगा। ये था आज का खर्चा पानी। मेरा नाम है उपासना। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।